नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। सो इन द रैपिड प्रेप सीरीज जेईई नीट एसेंशियल्स, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11th का पहला चैप्टर जो कि है सेक्स। लेक्चर नंबर आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, आपके सारे डाउट्स सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी। लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे, सो जस्ट स्टे विद मी, आपका पूरा चैप्टर आज खत्म करके जाएंगे। चलिए चालू करते हैं। तो यार ये देखिए, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अगर मैं एक साथ रखूं तो उसको सेट कहते हैं, और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मतलब कि इफ मैं एक सेट लिख रहा हूँ तो वो कैपिटल ए से लिखा जाएगा, स्मॉल ए से कोई सेट नहीं लिखा जाता। तो सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एक साथ रखते हैं। ये एक सेट है, ये सेट नहीं बनेगा, ये एक सेट है, ये दो सेट हैं। क्या स्मॉल ए से कोई सेट नहीं बनेगा, एक सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ऑर्डर ऑफ सेट मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर ए लिखा तो एन ए, या फिर मॉड्यूलस ऑफ ए से रिप्रेजेंट करता है, तो एन ए इज यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इज 3, ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2। आगे सेट 4 तरीके के हैं जो मेन मेन आपको पढ़ने हैं। एम्प्टी, वॉइड या नल सेट जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो सेट बिल्कुल खाली है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, फाई से, या फिर एम्प्टी ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। फाइनाइट सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अभी पीछे वाले दो एग्जांपल्स हमने लिए, ये वाला सेट ए एंड सेट बी, यहाँ पर 3 हो तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट जहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन, होल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, वो इनफाइनाइट सेट है। सिंगलेटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है, वो सिंगलेटन सेट। आगे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, तो दो सेट इक्विवेलेंट होते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देम आर सेम। मतलब कि अगर मैं एक सेट लूँ ए, जहाँ पर मैंने लिया 1, 2 एंड 3, एंड बी मैंने लिया ए बी सी, एन ए इज 3 एंड एन बी इज ऑल्सो 3। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, देयरफॉर ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है। लेकिन दो सेट इक्वल होते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो बट साथ के साथ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कि इफ मैं एक सेट तीसरा सी लिखूँ जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे 3, 2, 1, तो ए और सी इक्वल है, और ए बी और सी इक्विवेलेंट है। ये इक्विवेलेंट है क्योंकि तीनों के अंदर तीन तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ए और सी के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे सेम हैं, इस वजह से ये इक्वल हैं। सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सबसेट। तो सबसेट एक सेट के अंदर आने वाला सेट है, जैसे कि अभी हमने पहले लिया था ए सेट हो गया 1, 2 एंड 3, तो इसके अंदर अगर मैं कोई दूसरा सेट डिफाइन करूँ बी है जिसके अंदर सिर्फ 1, 2 आ रहा है, तो इसके दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो अभी एम्प्टी सेट हमने फाई लिखा था, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो ए का भी होगा, फाई बी का भी सबसेट होगा। अगला पॉइंट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट, हर एक सेट खुद के अंदर तो आ ही रहा है, इस वजह से वो खुद का भी सबसेट होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ए के कितने सबसे 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3, मतलब 8 सबसेट्स इसके बनेंगे, इसकी पावर है 2, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो पावर हो गई 2, मतलब 4 सबसेट इसके बनेंगे। 4 सबसेट कौन से, वो एक तो 5 हो गया, एक हो गया 1, एक हो गया 2, और एक हो गया ये खुद 1, 2, टोटल 4 इसके सबसेट्स आ गए। आगे प्रॉपर सबसेट, सबसेट के अंदर प्रॉपर सबसेट आता है जिसके अंदर हम क्या कहें कि वो सारे सबसेट्स जिसके अंदर हम खुद को हटा दें, मतलब इन ये इस बी के ये सबसेट्स आए थे, इनमें से अगर मैं इस बी को हटा दूं तो वो प्रॉपर सबसेट हुए, जिसमें आ गए 2n, और इसमें से हमने एक ये खुद सेट उसको हटा दिया। अगर ए बी का सबसेट है तो बी को हम सुपर सेट कहते हैं, मतलब इस केस में मैंने लिखा ये बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो बी हुआ सबसेट, एंड ए को हम कहेंगे यहाँ पर सुपर सेट। और सुपर सेट सारे सेट का इज यूनिवर्सल सेट, मतलब मान लो हमें 4 सेट एक साथ दिए हुए हैं, चारों में एक सेट आ रहा है जो सबसे ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कहूँ कि हमारे पास मान लो ये ए और बी हो गए, और यहाँ पर ही मैं सी भी डिफाइन कर दूँ एज 1 एंड 2 एंड लेट्स से 1 ओनली 1, एंड डी को डिफाइन करूँ मैं एज एन एम्प्टी सेट। ये मैं 4 सेट लिख गया मैंने ए बी सी डी। इस केस में बी भी ए का सबसेट है,
सी बी ए का सबसेट है और डी बी ए का सबसेट है, ये सारे ए के सबसेट है, तो इस केस में ए को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। सारे सेट का जो सुपर सेट होता है उसको सबसेट कहते हैं, सुपर यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आगे, जीरो इज नॉट ए नल सेट, मतलब अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर जीरो को रखा हुआ है तो ये नल सेट नहीं हुआ, इसके अंदर जीरो एलिमेंट है। नल सेट का मतलब कुछ भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, वो नल सेट, इसमें जीरो है तो ये नल सेट नहीं है। इसका मतलब हमने ब्रेसिस के अंदर फाई को रखा है, दिस इज ए सेट विद इन ए सेट, तो ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि नल सेट का मतलब सिर्फ ये है या फिर एम्प्टी ब्रेसिस है। अगर ब्रेसिस के अंदर फाई को रखा हुआ है मतलब एक नल सेट इज विद इन ए सेट, तो वो एक एलिमेंट हो गया सेट के अंदर। ये तीनों अलग अलग सेट हैं, इसका मतलब फाई, इसका मतलब हमारे पास सेट के अंदर जीरो एलिमेंट है, और इसका मतलब है हमारे पास सेट के अंदर एक फाई सेट है, तो ये तीनों अलग अलग सेट होते हैं। इसका और इसका मतलब अलग है। अगर मैंने यहाँ पर खाली ए लिखा है तो इसका मतलब मेरे पास सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए, और अगर मैं लिख रहा हूँ इसको एस ए, तो मतलब मेरे पास सेट के अंदर एक सेट है जिसके अंदर एक ए एलिमेंट। अगला पॉइंट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए नल सेट इज वन, नल सेट का मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए जीरो, सबसेट्स आते हैं 2 की पावर n, मतलब 1। आगे, पावर सेट इज ए, कोई भी सेट ए है उसका पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, जैसे कि अभी हमने मान लो ए को डिफाइन कर रहे हैं एज 1, 2, तो इसके सबसेट्स क्या आए थे हमारे पास, एक तो फाइव आया, फिर आया 1, फिर आया 2 एंड देन आया 1, 2। अब ये चार सबसेट बने हैं, इन चारों सबसेट्स को मिलाकर अगर मैं एक सेट बना दूं, इस वाले सेट को कहेंगे पावर सेट ए का। अब एक सेट ए, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं 2 की पावर n, हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बिकम्स 2 की पावर n। अगला, ऑपरेशन बिटवीन टू सेट, अब दो सेट हमारे पास गिवन है, उन दो सेट के बीच में हम क्या 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 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसका यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब होता क्या क्या है, ये यूनियन में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ए यू बी, ये यूनियन का सिंबल होता है। ए यूनियन बी का मतलब कि हमें इन दोनों से सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो इफ मेरे को गिवन है कि एक ए सेट है 1, 2, 3, 4, एंड एक सेट है बी एज 3, 4, 5, 6। अब इसमें यूनियन क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे सेट, सारे एलिमेंट्स आ गए बट रिपीटेशन नहीं हुई, ये यूनियन। इंटरसेक्शन इज इनके जो भी कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको लिखो, 1, 2 इसमें नहीं आ रहे, 5, 6 उसमें नहीं आ रहे, 3 और 4 आ रहे हैं, हेंस 3 एंड 4, ये बन गया इंटरसेक्शन। डिफरेंस ए माइनस बी, डिफरेंस का मतलब जो एलिमेंट्स ए के बी में नहीं आ रहा है वो, मतलब ए और बी के कॉमन, इसका मतलब होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं वो हटा दो, मतलब ओनली ए आ जाएगा इसका, दिस बिकम्स ओनली ए, बी वाले एलिमेंट जो कॉमन है वो हटा दो ए में से, जो बच गया वो आंसर है 1, 2। ऐसे ही अगर बी माइनस ए करो तो वो आ जाएगा 5, 6। इनमें ए यूनियन बी चाहे बी यूनियन ए, आंसर एक ही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन ए, आंसर एक ही आएगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए हमेशा सेम आए, जरूरी नहीं। डिफरेंस में यहाँ पर ओनली ए का मतलब जो एलिमेंट्स सिर्फ ए के अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर नहीं आ रहे। सिमेट्रिक डिफरेंस इज रिटन एज ए डेल्टा बी, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब जो एलिमेंट्स या तो सिर्फ ए के अंदर आ रहे हैं या सिर्फ बी के अंदर आ रहे हैं, इसका जो कॉमन वाला पार्ट है वो हटा दो, तो इसमें से कॉमन वाला पार्ट हटा दें, तो ये बन जाएगा 1, 2, 5 एंड 6, दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस। और कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, मतलब जैसे मैंने पहले कहा था आपसे कि जितने भी हमारे पास सेट हैं, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ सेट्स हैं, उन सब सेट का जो सुपर सेट बनता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं कोई और सेट हटाऊं, डिफरेंस, जैसे इसमें ए यूनिवर्सल सेट था, तो ए माइनस सी करें तो वो सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो होता है सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट इज इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको चाहे ए बार से डिनोट करो चाहे ए डैश से डिनोट करो। नेक्स्ट पॉइंट इज वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम एक डायग्राम है जहाँ पर हम सेट्स को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से और बाकी सारे सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब अगर मेरे को दो सेट का यूनियन शो करना है, जैसे मेरे पास ए यूनियन बी है, इसमें इफ मैं यू मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरे पास दो सेट्स आ रहे हैं, ये ए एंड बी। अब इस वाले सेट में जहाँ पर मेरे पास ए एंड बी आ रहे हैं दो सेट, इस केस में मेरे को यूनियन दिखाना, यूनियन इज ए यूनियन बी, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स। तो इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में पहुँचेंगे, इस वाले हिस्से में जहाँ पर ए के भी सारे एलिमेंट्स आए और बी के भी सारे एलिमेंट्स आए। ये वाला हिस्सा इज यूनियन। इंटरसेक्शन एज अगर मैं लूँ कि मेरे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में मेरे पास एक सेट है ये ए एंड एक सेट है ये बी, इस केस में इंटरसेक्शन इस दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा सिर्फ वो, तो ये हिस्सा कॉमन पार्ट रहा, ये हो गया इंटरसेक्शन। ओनली ए, ओनली ए का मतलब ये एक यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एक सेट हो गया ये, दूसरा सेट हो गया ये। ओनली ए का मतलब सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो ए के अंदर आ रहे हैं और बी के अंदर नहीं आ रहे हैं, मतलब ये वाला हिस्सा। हाँ जी, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो पूरा बी मतलब ये जो कॉमन वाला हिस्सा वो भी हटा दो, सिर्फ ए वाला लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट ये यूनिवर्सल सेट, इसमें ये रहा ए, ये रहा बी। इफ हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब था यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो इसके ये वाला सेट ए है तो इसके बाहर वाला पूरा पोर्शन, दिस पूरा इसके बाहर वाला, ये सेट बी भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, पूरा हिस्सा जो ए के बाहर बाहर आ रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। अगला इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें इफ ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इस सेट के अंदर मेरे पास दो सेट आ गए ए एंड बी। अब इस केस में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं पहले ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करूँ तो ये ए यूनियन बी ये वाला पूरा हिस्सा है, ये वाला। अब इस ए यूनियन बी के अंदर मेरे को निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट, ये वाला यूनिवर्सल सेट, और उसमें से ए और बी को हटाना है, इसका मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। तो ये पूरा बाहर वाला हिस्सा इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे निकालो आप ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश, तो उसमें अगेन दो सेट। अब इसमें ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये सेट हो गया ए, ये वाला हो गया बी, हमें क्या निकाला ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आया हमारे पास, ये वाला बाहर वाला हिस्सा पूरा, जो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया ग्रीन से। अब बी कॉम्प्लीमेंट इस बी के बाहर वाला हिस्सा, तो ये वाला पूरा हिस्सा आ जाएगा इंक्लूडिंग ए जो बी के अंदर नहीं आ रहा, ये मैंने इससे रिप्रेजेंट किया। अब इन दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा हुआ, अब आप इसमें देखिए जो कॉमन रीजन आ रहा है इन दोनों के बीच में ए डैश और बी डैश, ए डैश इस पूरा बाहर वाला हिस्सा इंक्लूडिंग बी एंड बी डैश इस पूरा बाहर वाला हिस्सा इंक्लूडिंग ए। अब इसका कॉमन कह रहा हूँ यूनियन है, यूनियन का मतलब ये पूरा दोनों को कंबाइन करेगा, कंबाइन करके सिर्फ इसके बाहर वाला मिला, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के बाहर वाला, इसको छोड़ के ये पूरा हिस्सा, ये पूरा एंड ये वाला पूरा हिस्सा इस, मतलब अगर मैं सिर्फ इस वाले रीजन को छोड़ दूँ, इस वाले रीजन को, तो इसके पूरे बाहर वाला पूरा हिस्सा इज ए डैश यूनियन बी डैश। सेम अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर इसमें आंसर क्या आया, ये पूरा बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा क्या आया जो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट था और जो बी डैश का कॉम्प्लीमेंट था, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आया इसका आंसर। ये वाला लॉ और ये वाला लॉ, दीज आर डी मॉर्गन्स लॉ, कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट का मतलब वो सेट जो बिल्कुल अलग अलग है,
अगर इसको वही वापसी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो एक हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट, उसमें हमारे पास दो सेट हो गए, एक ये और एक बी। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हेंस ये जो दोनों सेट हैं ए एंड बी, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। सब सेट को अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो अगेन एक यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर एक सेट ये और उसके अंदर एक सेट ये। तो एक सेट जो दूसरे सेट के अंदर आ रहा है उसको कहते हैं सबसेट। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ जो अभी अभी हमने करा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्टा एंड साइन भी चेंज हो जाएगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। दोनों में जब कॉम्प्लीमेंट हम इंडिविजुअली सेपरेट कर रहे हैं तो इनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा, और इंटरसेक्शन अगर उल्टा देखोगे तो इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता है। अब फॉर्मूले, एन ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज बिकॉज जब हम यूनियन देख रहे हैं, अब जैसे हमने पहले केस में यूनियन देखा था, इसमें जे वाला जो रीजन है हम इसको दो बार ले रहे हैं, एक बार ए के अंदर भी इंक्लूड कर रहे हैं, एक बार बी के अंदर भी इंक्लूड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई जो फाइनल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले के अंदर मैं एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तीन में देखो तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, अगेन जो कॉमन रीजन है उसको हटा दो, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला रीजन बनेगा आपके पास इफ ये एक यूनिवर्सल सेट है एंड यहाँ पर हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी एंड सी। ये हमारे पास तीन सेट हैं, ये वाला ए, ये वाला बी एंड ये वाला सी। तो इस केस में मेरे को निकालना है इन तीनों का यूनियन, मतलब ये जो बीच वाला पूरा रीजन है वो फाइंड करना है मेरे को। तो इसमें ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कॉमन रीजन है। अगर कॉमन रीजन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, ये वाला रीजन बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला रीजन भी दो बार आ रहा है, ये वाला रीजन मतलब ये वाला रीजन ए और बी दोनों में आया, ये वाला रीजन ए सी दोनों में आया, ये वाला रीजन बी सी दोनों में आया, इस वजह से मैंने इनको तीनों को एक एक बार सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन सब्ट्रैक्शन के चक्कर में ये जो बीच वाला रीजन था ये वाला मल्टीपल टाइम्स हट गया, ये वाला रीजन मल्टीपल टाइम्स हट गया, इसको एक बार ऐड किया। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपके सेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमेशा काम आते रहेंगे। अब क्वेश्चंस के बारे में, गिवन है कि एक सेट ए जिसके एम एलिमेंट्स है, सेट बी के पास एन एलिमेंट्स हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1 1 2 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो अब एम डॉट एन की वैल्यू निकालनी है। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखिए, उसके बाद फिर आगे मैं कराता हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज एन, मतलब 2 की पावर m हो गए इसके सबसेट्स। नंबर ऑफ सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर n आ गया। इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 1 1 2 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए बी से 112 ज्यादा हैं तो इक्वल करूँ तो इसमें 1 1 2 ऐड हो जाएगा। अब हमें m डॉट n की वैल्यू निकालनी है। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया था जे 2020 के अंदर। इन दोनों को एक साथ करें तो 2m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। अब आप चाहो तो आपके पास ये के अंदर इतना टाइम तो होता है कि ये वाली कैलकुलेशन तो आप थोड़ा ऐसे सोच समझ के भी कर सकते हो। एक अगर इसको 7 करो और इसको 4 रखो तो आंसर 112 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लो, यानी 2 2 की पावर 2 इज 4, देन 8, देन 16, देन 32, देन 64 एंड देन 1 1, कितना 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 6, दिस बिकम्स 1 2 8 एंड देन 2 5 6, दिस इज 2 की पावर 6 एंड देन 2 की पावर 7। अब इसमें आप डिफरेंस देखो किस में 112 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर 112 का डिफरेंस आ रहा है, यही सीधा सीधा आंसर है। 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 बिकम्स 112, बस। तो 7 × 4 यहाँ पर 28 आंसर। एंड इफ आपको ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना तो इसका दूसरा तरीका जो थोड़ा सा लंबा जाएगा वो ये कि आप इस वाले फॉर्मूले के अंदर यहाँ से अब एम माइनस एन है, मतलब मैं ये वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मतलब एन छोटा होगा, तो 2 की पावर n यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बचेगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1,
इज इक्वल्स टू 1 1 2। अब 2 की पावर कुछ भी मैं करूं, हमेशा एक इवन टर्म आती है, तो ये वाली जो टर्म है मेरे पास, ये हमेशा इवन रहेगी। 2 की पावर कुछ भी करूं, इवन -1 करूंगा तो ये वाली टर्म हो जाएगी ऑड। तो 1 1 2 को रिप्रेजेंट करो एज ए टर्म जो 2 की पावर है और एज एन ऑड टर्म। 1 1 2 को रिप्रेजेंट करो, जैसे कि अगर मैं लिखूँ इसको 2 की पावर 4 इंटू 7, मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 7, 2 की पावर 4 इज 16 इंटू 7, 1 1 2 आ जाएगा। अब ये इवन टर्म ये आ गई और ऑड टर्म ये आ गई, मतलब यहाँ से अगर सीधे सीधा कंपेयर करूँ तो एन इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, एंड एम 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज 7, तो 2m माइनस n इज इक्वल्स टू 8, मतलब m माइनस n ये हो गया 2 की पावर 3, m माइनस n 3 है, n 4 आ रहा था, तो m इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इज 7, तो 7, और n आ गया 4, तो 7 इंटू 4 28 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक सेट है जहाँ पर 1 से 100 तक एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। अब इन्होंने सबसे पहले पूछा नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी सबसेट्स का मतलब हम सारे सबसेट्स में से 5 हटा दें, टोटल तो सबसेट्स बन गए 2 की पावर 100, और इसमें से नॉन एम्प्टी मतलब ये 5 हटाना है, खाली एक हटाना। अब नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। प्रोडक्ट इवन कब आएगा, जब हम एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर से, चाहे इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर से। प्रोडक्ट ऑड कब आता है, जब हम ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ तभी प्रोडक्ट ऑड आता है। तो इस केस में आप क्या करो, ऑड को हटा दो, मतलब टोटल सबसेट्स माइनस जब प्रोडक्ट ऑड आ रहा है आपके पास वो रिमूव कर दो, टोटल सबसेट्स हो गए 100 2 की पावर 100, और ऑड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 2 की पावर 50, जो ऑड वाले टर्म्स है उसको निकाल दो खाली, तो 2 की पावर 50 आ जाएगा कॉमन, इधर बचेगा 2 की पावर 50 माइनस 1, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्वे शोज दैट 73% ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑफिस लाइक कॉफी, वेयर एज 65% लाइक टी। तो अगर मैं एक सेट को ले लूँ, मान लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट है 100, 73% दे रखा है जिन्हें कॉफी पसंद है, तो एन सी इज 73, एंड 65% लाइक टी, तो एन टी इज 65। आगे दिया हुआ है जी, इफ एक्स डिनोट्स अ परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी, देन एक्स कैन नॉट बी, एक्स इनमें से क्या नहीं हो सकता, क्योंकि अब सिंस मैंने जो यूनिवर्सल सेट है वो अज्यूम किया है, तो अज्यूम करने का मतलब मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकता, तो मेरे को ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसे टर्म है जो बिल्कुल ही नहीं हो सकते आंसर, तो अब वो नहीं आता। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखो, तो जो हमने पहले फॉर्मूला किया था इज एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये वाली टर्म आपके पास बन जाएगी। अब सी यूनियन टी हमें नहीं पता, क्योंकि हमने तो यूनिवर्सल सेट लिया है, ये हमने यूनियन लेने का मतलब है कि हम सिर्फ टी और कॉफ़ी वालों को देख रहे हैं। अब टी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको जो दोनों पसंद कर रहे हैं, दोनों नहीं पसंद कर रहे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर ये वाली टर्म में 100 नहीं ले सकते। एन सी हमें गिवन है 73, एन टी हमें गिवन है 65, एन सी इंटरसेक्शन टी हमें चाहिए, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊँ, इसको वहाँ पे घिस करूँ, तो एन सी इंटरसेक्शन टी आ जाएगा 73 प्लस 65 माइनस एन सी यूनियन टी। अब अगर इसमें क्या करें हम, अगर मेरे को एन सी इंटरसेक्शन टी निकालना है, इसकी जगह मैं 100 पुट करूँ, तो ये इससे बड़ा ही होना चाहिए, 73 प्लस 65 माइनस 100 है, तो मतलब इतनी कम से कम वैल्यू तो होनी चाहिए। अगर मैं इसको पूरा 100 लेके चलूँ, तो ये बन गया 138 माइनस 100, मतलब एन सी इंटरसेक्शन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 38, तो 38 से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें 38 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 38 भी आएगा, 54 भी आ रहा है, 63 भी है, 36 है जो 38 से छोटा है, एंड ये नहीं हो सकता आंसर। अब आप ये सोचिए बस कि मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगाया, बाकी सब तो कोई था ही नहीं, मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर वैल्यू डाली, क्योंकि हम इसको एग्जैक्ट 100 नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि मेरे पास यूनियन है और 100 ही है, कि मतलब परसेंटेज में दिया हुआ है। अब परसेंटेज में हमारे पास वो भी आ सकते हैं जिन्हें दोनों ही नहीं पसंद,
हमने सिर्फ वो वाली कैलकुलेशन लिया है कि इतने लोगों को टी पसंद है, इतने लोगों को कॉफी पसंद है, हमें दोनों कितने वो पसंद है। पर हमें ये नहीं पता ना कि जो दोनों को ही नहीं पसंद, इफ 100 में से 90 पीपल आर कंज्यूमिंग बोथ ऑफ दीज, तो वो 10 तो बच गए कैलकुलेशन में। इस वजह से मैंने 100 यूज नहीं कर सकता था मैं एग्जैक्टली यहाँ पर। इस वजह से मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया यहाँ पर, कि मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हमें नहीं पता। इस वजह से मैंने लगाया कि इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, हैंस ग्रेटर देन इक्वल टू 38 आया, ये इक्वल टू आ रहा है, तो ये भी आंसर है। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, तो ये कैन नॉट बी आंसर, तो 36 हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन, ये वाला आपको सॉल्व करना, मेरे को कमेंट्स में आंसर बताना। आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लगातार मेहनत करते जाओ, जितने पी वाई क्यूज आप लगा सकते हो उतने पी वाई क्यूज लगाओ, एंड देन दूसरे बुक्स उठाओ। स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में मैंने आपको कई सारे बुक्स का नाम बताया, तो आप उन बुक्स को रेफर करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा करो। आगे आने वाले वीडियोस में हमें और सारे बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा, लगभग सारे चैप्टर्स ही मैं कवर कर लूंगा जो जो बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहे हैं इन द जेई एग्जाम। सो जस्ट आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।